Hey, hello everyone. I'm back with a new video and welcome to my Hey, hello guys. Pawn Block के एक और नए वीडियो पे आप लोगों का सभी का स्वागत है. सो देख सकते हो गाइज, अभी हम लोग घर से निकलने वाले हैं और वो इधर कुछ क्लियर है अभी. सो मेरे साथ जा रहे हैं नितेश, जो कि अभी मैं उनसे मिलवाऊंगा आप लोगों को. सो ये रहा नितेश, का थूक रहा है गाइज, देख सकते हो. और इस तरीके से वेदर दिखाई दे रहा है अभी. सो मॉनसून के टाइम में अभी थोड़ा धूप निकल के आया है, देख सकते हो. सो यहाँ पे रहा भोलानाथ शर्मा, भोला अंकल. सो वो सिक्किम से है बेसिकली, और यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं कुछ काम के लिए. सो देख सकते हो यहाँ पे मेरा बेटी और पापा जो खेल रहे हैं अभी. सो चलते हैं, बाय बाय. सो गाइस, बहुत दिनों के बाद फाइनली अभी कालिम्पोंग जा रहे हैं हम लोग. मॉनसून के टाइम, मॉनसून के वजह से हम लोग बहुत टाइम से कालिम्पोंग नहीं गए थे. तो देखते हैं कैसा रहेगा आज का ये व्लॉग. सो गाइस, ये रहा हम लोगों का छोटा सा मार्केट एरिया. सो हम लोग इसको विलेज में लोकली हम लोग इसको सुबह बाजार कहते हैं. सो देख सकते हो गाइस, कुछ इस तरीके से है हम लोगों का अपना छोटा सा गाँव, जो यहाँ पे दुकान बन रहा है, वहाँ पे भी घर बन रहा है अभी. हालांकि बहुत डेवलप हो रहा है, प्रोग्रेस में है अभी. सो आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ गाइस, मेरा गाड़ी वहाँ पे खड़ा है. तो आप लोगों को पता ही है मेरा एस्प्रेसो कितना लॉर्ड एस्प्रेसो है, ये बहुत फेमस है अभी, देख चुका है सब लोग. सो गाइस चलते हैं अभी कालिम्पोंग. गुड मॉर्निंग मदर सर, ब्लॉग होते सर ना, ब्लॉग हमारे सर जी. यहाँ का सर जी है मदन सर, जो कि ड्यूटी पे जा रहे हैं अभी. सो चलते हैं अभी. हालांकि मैं भी यहाँ पे वॉलंटियर टीचर कर रहा हूँ, आज कुछ इम्पोर्टेंट काम है कालिम्पोंग पे, तो इसलिए निकल रहे हैं कालिम्पोंग. सो देखते हैं रोड का कंडीशन कैसा है, बहुत दिनों से ऊपर के रास्ते से नहीं गए हैं हम लोग. कॉपीराइट होता है, गीत नहीं, गीत नहीं. अफ, बहुत गर्मी है अंदर, देख सकते हो गाइस. गाड़ी बहुत गंदा तो नहीं कह सकते, ठीक ठाक ही है अभी. तो गाइस ये रहे, चलते हैं हम लोग, पकड़ी थी हमने. और आइए, हमारे ब्लॉगर साहब गाड़ी स्टार्ट कर चुके हैं. सो गाइस, देख सकते हो अभी हम लोग मतलब गुमाडाड़ा से थोड़ा आगे निकल चुके हैं गांव से. सो ये जगह मिलेगा, जो हम लोग अगर कालिम्पोंग सिलीगुड़ी कहीं पे भी जाना हो तो यही रास्ता होके जाना पड़ेगा. सो देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल है पाइन का ट्री. और गाइस आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पे मतलब इस साल को बर्फ भी गिरा था इस साल को यहाँ पे. सो अभी एक हाथ से ड्राइव कर रहा हूँ गाइस, तो गाड़ी थोड़ा धीरे चला रहा हूँ. मेरा मेन मोटिव है कि गाइस आप लोग अपना गांव का जो रास्ता है वो दिखा दो. सो देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल है पाइन ट्री. सो यहाँ से आगे मतलब बहुत कीचड़ है, जो आप लोगों को दिखाऊंगा मैं वीडियो पे. और देखते हैं अभी कैसा हुआ है वहाँ का रास्ता. आज से करीबन 15-16 दिन पहले मैं आया था, जब तो बहुत बारिश हो रहा था उस वक्त, तो कीचड़ बहुत था. तो अभी देखते हैं कैसा रहेगा रास्ता. यहाँ से स्टार्ट होता है कीचड़ वाला रास्ता. अभी गाड़ी 2 नंबर पे चल रहा है. सो एस्प्रेसो का ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा हाई होने की वजह से एडवांटेज मिलेगा गाइस आप लोगों को ऐसे रास्ते में अगर ड्राइव करना हो तो. हालांकि उतना कीचड़ नहीं है अभी, तो
देख सकते हो गाइस, पहले यहाँ पे बहुत सारा कीचड़ था, तो अभी उतना कीचड़ नहीं है। फिर भी देख सकते हो गाइस, थोड़ा बहुत तो है। अब एक नंबर में डालना पड़ेगा गाड़ी को। हालांकि यहाँ पे कुछ पत्थर वगैरह भी रख दिया है रोड पे, जो कुछ इस तरीका से है रोड। सो यहाँ पे एक नंबर लगा के स्लोली चलते रहना है मौसम के साथ पे। और मुझे ज़्यादातर लगता है कोई दिक्कत नहीं आने वाला है अपने एस्प्रेसो को, लॉट एस्प्रेसो को। सो ये बेसिकली ये फोर लाइन रास्ता बन रहा है, तो अभी काम हो रहा है देख सकते हो जैसे कि। सो इस तरफ भी कुछ मटेरियल वगैरह रखा हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ही कीचड़ है, जल्दी से एक नंबर डाल के फिर जाना होगा। देख सकते हो गाइस, इतना बड़ा इतना ज्यादा कीचड़ है। सो गाइस, यहाँ पे एक जो क्या कहते हैं इसको, होमलेस आदमी रहता है, जो कि देख सकते हो गाइस यहाँ पे है। बहुत ही दिनों से रुक रहे हैं वो यहाँ पे। हो गया लगभग 6 महीने तो भाई लाइक छह। और ये थोड़ा थोड़ा फॉगी मौसम दिख रहा होगा आपको, धुआं। ये जलाया होगा, राख का धुआं नहीं है, ये नेचुरल धुआं है, फॉगी है। नेचुरल फॉगी दिखाई दे रहा होगा गाइस सब लोगों को। कुछ इस तरीका से रास्ता बहुत ही कीचड़। ये देख लीजिए आप लोग क्या हाल हो रखा है रास्ते का। यहाँ तो और बारी में खेत में बारी धान रोपने लायक हो गया है, लग रहा है धान रोपने रोपने होगा। तो गाइस, कहीं खड्डे कहीं कीचड़। ठंडा मौसम बहुत जमा कितना खराब रास्ता बा, खाली कीचड़ ही कीचड़। ऐसा जगह पर अहिला हम लोग भोजपुरी पे हो रहा है अभी लगभग कितना किलोमीटर नीचे से ऊपर है सिलीगुड़ी से लगभग आपका 7000 अप्रोक्स 7000 किलोमीटर ऊपर सिलीगुड़ी मतलब नहीं सी लेवल नहीं, और जो जमीन का जो प्लेन्स होता है उससे हम लोग 7000 फीट ऊपर है। इसलिए जाके इतना ठंडी, इतना गर्मी के सीजन में भी इतना ठंडी का मजा आता है यहाँ का। लेकिन रोड देखिए बन रहा है कोई नहीं गाइस, बहुत जल्द तैयार हो जाएगा फोर लाइन हाईवे, उसी का मरम्मत चल रहा है। अरे भाई रुक जा, जेसीबी कहाँ आ रहा है भाई, भाई अटका दिया हम लोगों को यार, दिक्कत होने वाली है। ये देखिए काम चल रहा है जोर शोर से। ये हाल है भाई रास्ते का, पता नहीं कब तक तैयार होगा ये। और कितना लॉट एक्सप्रेस को देख के हंस रहा है भाई, लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा, एक्सप्रेसो इतना खतरनाक गाड़ी है, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कहीं भी घुस जाएगा कहीं भी चढ़ जाएगा। हाँ भाई, फॉर्च्यूनर से टक्कर दे रहा है ये, लॉट एक्सप्रेस है अपना। और ये धीरे धीरे इतनी छोटी जगह में क्रॉसिंग होते हुए, अरे देखिए कहाँ भाग रही है गाड़ी, चला रहा है किधर, जा रहा है किधर। और यहाँ पे है और ज्यादा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ तो फाइनल मतलब क्या ही बोले, फाइनल डेस्टिनेशन हो गया गाइस। ये देखिए, ये जो आपको पिक्चर दिखेगा ना, जूम करके थोड़ा दिखा दे रहा हूँ, ये देख लीजिए, ये है
ये हाल है भाई, पर अपना एस्प्रेसो रुकने का नाम नहीं ले रहा है गाइस। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए यही रास्ता। ऑफ रोडिंग तो एक्सट्रीम लेवल का हो गया गाइस आज तो, ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अभी धूप, आप लोग कमेंट करके बताना है रास्ता कैसा लगा। गाड़ी भी स्लिप कर रही है तो थोड़ा राइट से ही चलो, इधर लेफ्ट में वो है। यहाँ पे एक्स्ट्रा लेवल का ड्राइविंग स्किल होना पड़ेगा गाइस अगर आप लोगों को ड्राइविंग करना हो तो। नहीं नया ड्राइवर अगर आए तो ये फंस के रह जाएगा भाई इधर ही। बड़ा गाड़ी बोलेरो वगैरह भी फंस जाएगा गाइस, नीचे से नहीं जाना है, ऊपर ऊपर जो चलाना आना चाहिए, बालू थपड़ के रखा है वहीं से जाना होगा। क्या बोल रहे बोलू वाला बोल भाई? हाँ बालू बोल। काम चल रहा है यहाँ पर, कीचड़ पे इस तरफ भी आ गया। अभी लगभग आपको 2 से 3 किलोमीटर मिलेगा, हालांकि आगे थोड़ा सा सही है जो भी पीछे वाला है तो बहुत अच्छा रास्ता है। 1-2 किलोमीटर तक शायद और ख़राब मिलेगा ना, उसके बाद से थोड़ा ठीक मिलेगा रास्ता। सो गाइस अभी हम लोग कालिम्पोंग पे है, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे हम लोग कॉफी पी रहे हैं। सो मेरे साथ में है नीतेश और ये मेरा कैमरामैन भी आ रहा है। अपना नाम बता देना, देख सकते हो गाइस कॉफी। कैसा लगा कॉफी? बहुत ही बढ़िया है, अभी तो फर्स्ट बाइट हो रहा है गाइस, तो देखते हैं आराम से पिएंगे। तुम बोलो कुछ, इसमें बोल देंगे बोलो। सो गाइस गो एंड सब्सक्राइब लेजेंड एक्स रंजन चैनल। बोल जी मैंने कॉफी राइट मारे।